हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पारा मेडिकल क्लासेस। तो हम लोग पिछले बार सरफेस एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए, फर्स्ट टॉपिक एक्जिला के बारे में पढ़ना है। और गाइस सॉरी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू हुए थे, मेरे तबीयत ख़राब हो गए थे, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आजकल का जो सीजन ही वेदर ही ऐसा है, जिसके कारण थोड़ा शरद गर्म, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी कारण हम वीडियो बना नहीं पाए। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो सरफेस एनाटॉमी का है, एक्जिला। तो हम बताए थे सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है, किसी भी चीज़ का सरफेस लेते हैं और वहाँ पर कौन सा मसल्स है, कौन सा कंटेंट है, कौन कौन सा पार्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि बाकी बाद में उस एरिया को समझने में और वहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट या कि सर्जिकल हो या डायग्नोसिस किया जाए, उस समय हेल्प होता है कि वहाँ के एरिया में कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा मसल्स है और कौन कौन सा कंटेंट है, ये सब आपको पता चले। तो आप लोग को आज बोर्ड पर दिख रहा होगा, सबसे पहले ये चार शेप देख रहा होगा। इस शेप को देख के तो अभी कुछ समझ में नहीं हो रहा है कि एनाटॉमी में ये क्या है, क्या बना दिए। तो ये एक बॉर्डर है जो बॉडी का लिए है, एक रीजन में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस जो बाउंड्री लिए हैं, इस बाउंड्री को कहते हैं एक्जिला। तो एक्जिला क्या होता है, एक्जिला पिरामिडिकल स्पेस होता है, एक पिरामिडल स्पेस होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ चेस्ट की तरफ होता है। यानी जो एक्जिला होता है अपर पार्ट ऑफ चेस्ट की तरफ होता है, उसके बाद ये फिर क्या होता है, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ चेस्ट की तरफ होता है, उसके बाद रूट ऑफ नेक की तरफ जाता है और इसका जो बेस होता है ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है बेस। और ये जो ये कहाँ होता है, रूट ऑफ नेक, मेडियली टूआर्ड द रूट ऑफ नेक, जो ये रूट ऑफ नेक के साइड में होता है ये मेडियली रहता है, मेडियली टूआर्ड द रूट ऑफ नेक, जो नेक का रूट होता है उसके मेडियली रहता है और इसका जो बेस होता है तो डाउनवर्ड। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम बताया, ये हम एक्जिला का डायग्राम बताए हैं कैसे पिरामिडल शेप लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो, ये एक्जिला का जो पार्ट है एपेक्स है, तो इसमें पहले बात याद करना है कि ये कॉनिकल पार्ट है, पिरामिडिकल पार्ट है, कॉनिकल भी नहीं, ये पिरामिडिकल पार्ट है। और एपेक्स, पिरामिड क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 3D में इस तरह का पिरामिड होता है। तो बस इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंटेड है, ये जो एंड है ये पॉइंटेड है, ठीक, लेकिन यहाँ पर पॉइंटेड नहीं है, ये एंड को बोलते हैं ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड कहने का मतलब यहाँ पर जो एंड है ये फ्लैट है, पॉइंटेड नहीं है, अभी फ्लैट है, सबसे पहले जानना है, ठीक है। तो उसमें एक्जिला पे बताया कि एक्जिला पिरामिडल स्पेस होता है, सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, मेडियली टूअर्ड द रूट ऑफ नेक, और उसके बाद ये डाउनवर्ड जो होता है इसका बेस होता है, ये जो डाउनवर्ड जितना है ये सब इसका बेस होता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस सब में हम लोग को एक्जिला में पढ़ना है, एक्जिला में पढ़ना है पहला एपेक्स, ठीक, उसके बाद बेस, उसके बाद फोर वाल पढ़ना है, कौन कौन सा वाल होता है, फोर वाल। तो फोर वाल में आपका होता है एंटेरियर, ठीक, उसके बाद पोस्टेरियर होता है, ठीक, मेडियल होता है और लैटरल होता है। तो चार वाल होता है, एंटेरियर, पोस्टेरियर, मेडियल और लैटरल। और ये वाल को कैसे समझते हैं, तो हम एक्जिला लिए, तो एक्जिला का सबसे पहले याद करना है कि ये पिरामिडिकल शेप होता है। एक इमेज आपको यहाँ पर दिखेगा 3D में, जो आपको बता देगा कि एक्जिला कौन सा स्पेस होता है और पिरामिडिकल शेप होता है और कहाँ होता है, ये मेडियली टूअर्ड द रेट ऑफ नेक होता है और डाउनवर्ड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये एपेक्स को हम लोग बनाए ट्रंकेटेड। अब इसमें वाल बताना है कि कौन सा वाल कौन होता है। तो ये पिरामिड है, इसको 3D में समझने का कोशिश कीजिए कि देखिए हम यहाँ पर 3D पिरामिड ला के रख दिए। तो 3D पिरामिड रखे यहाँ पर, तो ये सामने का वाल हो गया एंटेरियर, तो उसके पीछे का वाल हो जाएगा पोस्टेरियर, ठीक। और मीडियल, मीडियल क्या होता है, बॉडी के मीडियल, मतलब जो बॉडी के मीडियल साइड में जाता है वो मीडियल होता है, बॉडी के अगेंस्ट जाता है लेटरल। जैसे एग्जाम्पल देते, ये जो स्टर्नम होता है,
ये जो स्टर्नम का साइड होता है बीच का बोन, ये मेडियली होगा। स्टर्नम से जो अपोजिट साइड होगा वो लेटरल होगा, तो मेडियल लेटरल समझ गए। तो इसी तरह ये 3D पिरामिड को इमेजिन कीजिए कि एक 3D पिरामिड यहाँ पर आके रखा हुआ है। अब इसका चारों वाल बताना है कौन कौन होता है। तो सर ऐसे ही ये डायग्राम को एग्जाम में बनाइएगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और आपको हर वाल को अच्छे तरीके से दिखाइए। तो पिरामिड का सबसे पहले सामने वाला वाल, ये सामने वाला जो वाल होता है पिरामिड का, ये सामने का जिसको हम रेड लाइन से कर रहे हैं, ये वाल होता है एंटेरियर वाल होता है, ठीक। अब उसके बाद पोस्टेरियर वाल, तो पिरामिड के पीछे का वाल, तो जस्ट पिरामिड के पीछे ये डायग्राम बनाए, तो ये पिरामिड का फ्रंट पोर्शन है। ये 3D में डायग्राम है, यहाँ 2D में बनाए हैं क्योंकि बोर्ड पर 2D में पॉसिबल। तो इसके पीछे का जो वाल होगा ये वाला वाल, ये पीछे का साइड 3D में इमेजिन कीजिए, ये नहीं कि पीछे का पूरा एकदम यहाँ तक ले लिए, यहाँ तक ले लिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक नहीं, इसको यहाँ तक नहीं लेना है पोस्टेरियर वाल, क्योंकि 3D में बाउंड्री देखिए तो ये पीछे का, इमेजिन करने का कोशिश कीजिए तो ये पीछे का बाउंड्री है और ये आगे का है, तो ये आपका हो गया पोस्टेरियर, इसको इमेजिन कीजिए तो ये हो गया आपका पोस्टेरियर वाल। ये डायग्राम बना दिए तो अच्छे तरीके से तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद ये लैटरल वाल, तो हम बताए थे कि बॉडी का जो मीडियल साइड होता है मीडियल होता है और बॉडी का लैटरल साइड होता है लैटरल, तो ये साइड आपका हो गया मीडियल और ये साइड आपका हो गया लैटरल, ठीक है। ये वाला जो बाउंड्री होगा ये बाहर की तरफ जो रह रहा है ये लैटरल साइड हो जाएगा। अभी यहीं पर हम मीडियल अलग बता देते हैं और ये वाला जो साइड होता है जो बॉडी की तरफ जाता है तो ये हो गया। मीडियल वाल, ठीक। तो समझ गए एक्जिला का एंटेरियर पोस्टेरियर लैटरल और मीडियल। और एक्जिला क्या है, तो एक्जिला इज ए पिरामिडल स्पेस सिचुएशन बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट के अपर पार्ट में जो पिरामिडल स्पेस होता है इसको लैटिन में, हाँ एक्जिला को लैटिन में हम लोग आर्मपिट भी बोलते हैं, क्योंकि आर्मपिट का बोल, ये जो एक्जिला होता है आपका क्या होता है कि पिरामिडल स्पेस स्ट्रक्चर होता है जो आपके आर्मपिट के पास होता है यहाँ पर, और ये कहाँ तक जाता है, तो ये हो गया आपका जी बेस हो गया जो चेस्ट वाल की तरफ जा गया। उसके बाद ये जो नेक का रूट होता है, नेक का जो ये रूट होता है यहाँ तक आ गया, ये नेक का रूट हो गया यहाँ तक एक्जिला, और उसके बाद ये अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में चल जाता है। तो ये 3D एक डायग्राम बनाएंगे, मान के चलिए कि एक 3D डायग्राम यहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पर एक्जिला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर एक्जिला का, बिना डायग्राम का समझ में नहीं आएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये इसका वाल और सब कुछ है, एंटेरियर पोस्टेरियर लैटरल और मीडियल साइड। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट, मतलब इस पॉइंट में जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना होता है इसको कहते हैं कंटेंट ऑफ एक्जिला। हाँ, एक्जिला के कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट में आपको हो गया इसमें क्या क्या पढ़ना है कंटेंट में, एक्जिलरी आर्टरी, जो एक्जिला से आर्टरी पास होता है उसका नाम एक्जिलरी आर्टरी हो गया। उसके बाद एक्जिलरी वेन, जो एक्जिलरी वेन हो गया वो एक्जिलरी वेन। उसके बाद एक्जिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू, टिश्यू। उसके बाद होता है एक्जिलरी लिम्फ नोड। पांच तरीका का एक्जिलरी लिम्फ नोड होता है। उसके बाद होता है आपको ब्रैकियल प्लेक्सस, यहाँ पर जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस जो नर्व का रूट होता है ये भी एक्जिला के थ्रू क्रॉस करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी फैट और एरियली टिश्यू, एक्जिलरी लिम्फ नोड, पांच तरीका का जो होता है एक्जिलरी लिम्फ नोड और ब्रैकियल प्लेक्सस। तो एक्जिला में हम लोग को यही पढ़ना है, एक्जिला में सबसे पहले पढ़ना है कि एक्जिला पिरामिडिकल स्पेस है, इसका फोर साइड होता है, एक होता है एपेक्स बेस, फोर वाल होता है एंटेरियर वाल पोस्टेरियर वाल,
एंटीरियर वाल जो होता है ये डायरेक्टेड फॉरवर्ड और लेटरली ट्रंकेटेड होता है और मेडियली टुवर्ड रूट ऑफ नेक होता है, जो नेक के रूट के तरफ होता है। और उसके बाद पोस्टेरियर वाल, पोस्टेरियर वाल ये क्या होता है कि यहाँ पर पोस्टेरियर वाल पोस्टेरियर में यहाँ पर जो फैट होता है, सुपरफिशियल टिश्यू होता है, ये सबसे होता है। उसके बाद मेडियल वाल हो गया मेडियल साइड का, और लैटरल वाल लैटरल साइड का हो गया। तो इस तरह से हम लोग को एक्जिला पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट में हर एक बात को, आज आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है एपेक्स के डिटेल के बारे में, बेस का डिटेल, फोर वाल का डिटेल, और हर एक टॉपिक को एंटेरियर लैटरल पोस्टेरियर मीडियल, क्योंकि इस जो एंटेरियर वाल है इसको कौन कवर कर रहा है, यहाँ पर कुछ मसल्स होगा, कुछ बोन होगा, कुछ टिश्यू होगा, यही सब इसको क्या कर रहा होगा कि कवर कर रहा होगा, और यही सब मसल्स बोन्स और टिश्यू मिलके इसका वाल बना रहा है। तो समझिए, क्योंकि हम लोग एक जिला को काटे हैं, तो एक जिला को जैसे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस रीजन में आपको क्या मिल सकता है, मसल्स मिल सकता है, बोन्स मिल सकता है, टिश्यू मिल सकता है, और ये सब कंटेंट मिलेगा, एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी फैट, एक्जिलरी लिम्फ नोड, या उसके बाद ब्रैकियल प्लेक्सस का ब्रांच जो मेन होता है इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे नर्व रूट से निकलता है, मेन नर्व जो ब्रैकियल प्लेक्सस सारा नर्व का एक कलेक्शन है जो मेन रूट से निकलता है और हमारे जो एक्सट्रीमिटीज होती है उसको सप्लाई करता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि एपेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, फोरवाल क्या होता है, और ये कंटेंट क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे इसको डिटेल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।